गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्लान बनाए हैं, मतलब बैठे हुए थे अभी, तो मन नहीं लग रहा था। दोस्त लोग सब बोलेंगे यहाँ दीघा में पटना मरीन ड्राइव घूमने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इसलिए वीडियो देख बना रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं वीडियो में आगे मरीन ड्राइव का सीन। अभी हम लोग तैयार होने घर पर आए थे, ये जब तैयार और हो गया है, कपड़ा वपड़े लिए हैं, जाते हैं। बस एक दो घंटा में घूम के चल आएंगे। बहुत दिन से प्लान बना रहे थे मरीन ड्राइव घूमने के लिए। गर्मी का समय है, दोस्त लोग को थोड़ा छुट्टी है आज, तो चलते हैं घूम लेते हैं। तो अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से। दोस्त लोग आएगा, फोन करेंगे, रोड पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, देखिए आगे क्या दिखाते हैं। पटना का मरीन ड्राइव आपको बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। मिलते हैं आगे वीडियो में। ये देख लीजिए भैया जी गाड़ी चला रहे हैं, अभी अंधेरा पता नहीं चलेगा। ये देखिए मालिक लोग पीछे बैठे हुए हैं, मालिक लोग ज्यादातर पीछे बैठता है ना, ड्राइवर को ड्राइवर आगे है कराची, मालिक लोग पीछे बैठे हैं फॉर्चूनर में। आगे कर दिखाते हैं सीन। ये देखिए रोड कितना अच्छा लग रहा है। नीतीश जी के राज में हम लोग अभी चल रहे हैं, तरक्की है। हम लोग मरीन ड्राइव पहुंच गए हैं, दिखाते हैं मरीन ड्राइव का सीन। बहुत ही अच्छा मतलब है ना, अटल पथ मरीन ड्राइव। देखिए ये मरीन ड्राइव है, यहाँ पर सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आगे भी और यहाँ से स्टार्ट हो गया मरीन ड्राइव है, स्टार्ट हो गया यहाँ से मरीन ड्राइव घूमने का जगह अटल पथ LCT घाट गांधी मैदान। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, PMC 8 किलोमीटर है, दीदारगंज 21 किलोमीटर है। अरे भाई तो गांधी मैदान जाए में यही ना फायदा है रोड से। ये रोड देखिए कितना मस्त नया बना है, एकदम मस्त रोड है ना। घटाओ तो पीछे रह गया, फोटो शूट भी यहाँ पर होता है, वीडियो बनता है। हम लोग आ गए आपको दिखाने आए हैं। यहाँ पर ब्रिज आ गया है, जेपी सेतु ब्रिज, ऊपर से गाड़ी नीचे ट्रेन। ये देखिए यह लोकेशन, लेकिन बहुत मस्त लोकेशन देखिए कितना मस्त दम है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखो इस पर चलता है ट्रेन नीचे, ऊपर में गाड़ी, ब्रिज आ गया, मरीन ड्राइव स्टार्ट हो गया यहाँ पर। अटल पथ यहाँ से 200 मीटर है, PMC 7.5 किलोमीटर। देखिए मरीन ड्राइव घूमने का जगह, एकदम भीड़ लगा हुआ है। मेला जैसा हम लगा हुआ है, बड़का अथी बना दली भाई। अब आगे भी है, चल दो नहीं अच्छा लगा, गाड़ी देख के लगा दे। बड़ी भी बढ़िया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, कितना मस्त एरिया में। सब कुछ यहाँ बिकता है, चाउमीन, आइसक्रीम, चाट, सब बताओ। यहाँ पार्क बना दे तब तो एकदम मजा आ जाएगा। देखिए मरीन ड्राइव घूमने का जगह बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब एट्रैक्शन यहाँ पर सरकार देखा अपने अथी कर रहे हैं। हम लोग मरीन ड्राइव आ गए हैं फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, आपको दिखाते हैं यहाँ का मतलब सीन है। फर्स्ट टाइम हम लोग मरीन ड्राइव घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छा जगह है। हम लोग आ गए हैं देखिए मरीन ड्राइव घूमने के लिए, घूमने आ गए हैं सब यहाँ पर घूमने मरीन ड्राइव। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, फर्स्ट टाइम आए हैं लोकेशन मरीन ड्राइव का घूमने का लोकेशन यहाँ से दिखाते हैं आप लोग। ये देखे भैया जी मरीन ड्राइव घूमने आए हैं और मस्ती करने हैं। तो बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत दिन, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम लोग घूमने आए हैं, टाइम नहीं मिलता है इसके लिए फर्स्ट टाइम घूमने आए हैं। बहुत दिन से दोस्त लोग को बोल रहे थे चलना है घूमने, चलना है घूमने, चलना नहीं आ पा रहे थे। देख लिया आज मरीन ड्राइव, मतलब वीडियो में देखे हुए, बहुत सारा लोग ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब ब्लॉग बनाते हैं, जो या मतलब टूरिस्ट प्लेस जो हो उनको दिखाते हैं। तो हम लोग वीडियो में देखे हुए थे जहाँ तक, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, बने रहिए और दिखाते हैं आप लोग। यहाँ तो अंधेरा अंधेरा है, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में अंधेरा अंधेरा, बहुत अंधेरा है, तो ज़्यादा नज़र तो कुछ आ नहीं सकता है, थोड़ा बहुत ही है। देखिए भैया लोग अंधेरा, ब्लैक ब्लैक टी शर्ट पहने हुए तो पता भी नहीं चल रहा, अली सगर के अलावा कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है नहीं।
बोलिए कुछ लोग के अपना बिहार अपना पटना के बारे में क्या घूमने यहाँ पे। यहाँ बहुत मतलब अच्छा माहौल है, एक बार आके घूम के देखिए कितना अच्छा, बहुत भीड़ है, मेला की तरह है, ठीक है। एक बार आके घूमिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत मस्त हवा चल रहा है और लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है और यहाँ इतना भीड़ है कि देखने के बाद ही आप बता सकते हैं, मतलब देखने के बाद ही महसूस हो रहा है कितना भीड़ है। सही बात है, आप लोग को दिखाते हैं पीछे का बैकग्राउंड क्या है, भीड़ बहुत सारा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड पीछे का देखिए, मस्त यहाँ पर मस्त लोकेशन है, दूर तक ले यहाँ से लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मतलब बहुत भीड़ है, मेला की तरह जब मस्त लग रहा है यार। देखिए लोकेशन यहाँ का कितना मस्त है, मरीन ड्राइव का बहुत एकदम दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रहा है, एकदम लाइट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मौसम है। मिलिए इनसे, मिलिए इनसे, बोलिए कुछ मरीन ड्राइव के बारे में क्या आपका राय है। यहाँ का लोकेशन इतना मस्त है ना, पटना में एक नया जगह लोगों को मिल गया है यासी करने का। और जो भी बोला इसमें बोला है, हाँ जो भी बोला, बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है ये, मरीन ड्राइव बना देने से पटना का और भी खूबसूरती बढ़ गया है। ये हमारा राजधानी है पाटलिपुत्र, बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। देखिए मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई है, चारों तरफ गाड़ी, बहुत सारा मेला के टाइप में, बहुत सारा ट्रैफिक है, रश में गाड़ी चल रही है। और पटना का खूबसूरती गंगा के किनारे किनारे एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा बन गया है, पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं और आकर्षण का केंद्र है। जो मजा लीजिए, गर्लफ्रेंड उर्लफ्रेंड हो पटाइए नहीं, वीडियो बने रहे देखिए पीछे का ब्रांड। हम लोग अभी इंस्टा पर रील बनाएंगे, उसके बाद आप लोग फिर मिलते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम तस्क्रीम खाना पीना मतलब फुचका उचका सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर खाने के लिए। लाइने से लगा हुआ है बहुत सारा है, मतलब ठेला लगा हुआ है, चाट भी मिल जाएगा आपको खाने के लिए और फुचका उचका मिल जाएगा, जैसे अंकल यहाँ बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ रहते हैं, मतलब मरीन ड्राइव है घूमने के बाद पटना में फर्स्ट टाइम बना है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा आपको है। देखिए एकदम फुल नज़ारा है जे पी सेतु पुल, जो ऊपर ऊपर इसमें गाड़ी चलता है, नीचे से ट्रेन जाता है टूर के लिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, आपकी नज़र यहाँ का देखा है आपको। ये देखिए एकदम दूर दूर तक नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत ठंडा ठंडा हवा पड़ रहा था, बहुत अच्छा हम लोग फील ले रहे हैं यहाँ पर, फिर कितना अच्छा था घूमने का, इतना अच्छा ना तब यहाँ का देख लो आप, मतलब खाना पीना मतलब कुछ ऐसा कुछ का आइसक्रीम वगैरह और चाट पानी पूरी चाउमीन यहाँ पर सब कुछ मिलता है। देखिए चाट भी मतलब आइसक्रीम भी लगा हुआ है, आइसक्रीम बहुत सारा मतलब है, ठेला लगा के अपना रहते हैं यहाँ पर, फुचका उचका मिलता है सब, चाउमीन वाउमीन सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए नज़ारा, ये देखिए भैया जी मेरे आइसक्रीम लेके आ रहे हैं हम लोग के खिलाने के लिए, ठंडा ठंडा कुल्फी एकदम आइसक्रीम एकदम खाइए, मस्ती करिए एकदम ठंडा ठंडा, यहाँ पर हवा बढ़ रहा है। एक काम हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, जंगल भी लगा दिए हैं नीचे, जंगल लगाए हैं हम लोग, इनको दिए हैं कि रखने के लिए पॉकेट में फोटो आइए और आप लोग भी आइसक्रीम का मजा लीजिए यहाँ मरीन ड्राइव पे। ये देखिए हम लोग अच्छा आइसक्रीम है, बहुत ही अच्छा आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग, मस्त दम लग रहा है यार। देखिए खूबसूरती इतना मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा पड़ रहा है, बहुत भीड़ लगा हुआ है इधर तो, कुछ शांति इलाका उधर तो बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है घूमने आया। अभी आधा घंटा ही हुआ है, बस आधा घंटा बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घूमने के। देखिए दिखाते देखिए फील आ रहा है कितना मस्त, एकदम ठंडा ठंडा मस्त लग रहा था। देखिए सीन है एकदम मस्त सीन लग रहा था, हम गाड़ी सब लगा के यहाँ पर सब घूम रहे हैं, हम लोग भी साथ में सब फ्रेंड लोग आए हुए हैं यहाँ पर,
खेल रहा है, मस्ती सब कर रहा है, सबको मस्ती में है लड़का। एक अच्छा पटना को मिल गया है मरीन ड्राइव घूमने का, मुंबई जैसा फील ले सकते हैं। बगल में गंगा जी है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, पूरा मट्टी उट्टी है। जब बन जाएगा, जब तैयार हो जाएगा, तब जाके लगेगा आपको देखने में। बगल में गंगा जी अभी सूखे में है। पानी से तो आ जाएगा। क्या सीन है, नज़ारा है, लाइट वोट लगा हुआ है, और आपको फील मिल रहा है घूमने का मरीन ड्राइव का। बहुत अच्छा लगा हमको, आए नहीं थे, सोचा देख लेते हैं घूम के। टाइम नहीं ना मिल पाता है घूमने के लिए, तो घूम लिया। देखिए पीछे का नज़ारा है, फिर मौका है घूम लेते हैं बाद में। फिर घूमने का समय हर इंसान को नहीं मिलता है यहाँ, और मेरे मतलब हम लोग का पटना में ऐसा मरीन ड्राइव खुला है, ओपन हुआ है सरकार यहाँ पर। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जुगाड़ किए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन किए हुए हैं घूमने के लिए। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस टाइप में बना दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा ही है, मतलब कुछ अलग है, ऐसा नहीं मुंबई का मरीन ड्राइव हाँ तो कुछ अलग, वहाँ समुंदरी इलाका है, लेकिन यहाँ पर गंगा जी हैं, बगल में स्टोन है वही, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। उसके लिए बहुत अच्छा फील आ रहा है, बहुत भीड़ आता है यहाँ पर, 1000-2000 की संख्या में, 3000 की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। गाड़ी लगा हुआ है सब, बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है यहाँ। ठंडा उंडा का व्यवस्था सब कुछ मिल जाता है, नाश्ता वास्ता कुछ चौमिन वगैरह, तो भीड़ तो लगा हुआ है। ये देखिए, देखिए लाइट कितना मस्त लगा है ना, चारों पट्टी से लाइट, दोनों पट्टी से लाइट है, बीच में रोड है, और साइड साइड से घूमने का बना दिया है वॉकिंग के लिए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घूम लिया है। देखिए बीच का जो है ना नज़ारा, जो वो ब्रिज है, जो गंगा उस तरफ पार होता है, जो हाजीपुर के लिए जो जाता है वो ब्रिज है, उस पर भी लाइट जल रहा है। ऊपर में जो लाइट जल रहा है वो बाइक या मतलब कार या ट्रक व्रक जाने के लिए है। नीचे से ट्रेन जाता है, उसके नीचे से अंधेरा, उसको तो नीचे लाइट नहीं है। मस्त देखिए ये नज़ारा, देखिए वो बहुत बड़ा दम ब्रिज है, वहाँ से देखिए यहाँ तक, देखिए बहुत बड़ा पुल है। अच्छा है, तो हम मिलते हैं, निकलते हैं घर, आपसे मिलते हैं। मेन अटल पट जो मोड़ है यहाँ पर मरीन ड्राइव का, वहाँ पर दम आ गए हैं। बहुत अच्छा दम नज़ारा, ये देखिए देखिए मरीन ड्राइव यहाँ का नज़ारा, मेन गोलम्बर यहाँ पर है, और यहाँ से देखिए एकदम नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये रोड चल जाता है आपको गांधी सेतु पुल के पास, जो यहाँ से ज़्यादा नहीं 5 या 6 किलोमीटर है, यहाँ पर देखिए इस तरफ चल जाता है। जेपी पथ है, अटल पथ है, सॉरी अटल पथ है, जेपी पथ इधर है, अटल पथ है, ये किया गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एकदम नज़ारा गोल का, देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है। तो आप आइए, आप लोग घूमिए आगे, बहुत अट्रैक्शन है। पान किए जो जिनका यहाँ नाम है श्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जेपी गंगापथ, श्रीमती रेणु देवी, इतना तो फंड मिला है, माननीय उप मुख्यमंत्री। हाँ सुनो ना, जितना फंड मिला इसमें से लगा कितना होगा, लगा होगा उसमें सारा। मस्त नज़ारा यहाँ पे घूमने का, एम्बुलेंस लगा हुआ है वहाँ, संस्कार पथानगर है, रोड पर कूड़ा ना फेंके, यहाँ पर सब यह आकर्षण दिखा रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा एकदम घूमने का है, आपको दिखा रहे हैं एकदम, ये मस्त नज़ारा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर, बस नज़ारा बना दिया है मरीन ड्राइव, जो बिहार का राजधानी पटना में बन के तैयार हो चुका है। लोगों को टेंशन कर रहा है घूमने के लिए, बहुत सारा भीड़ लग रहता है, 12 बजे तक यहाँ बहुत भीड़ रहता है। ये देखिए घूमने का बहुत अच्छा नज़ारा है, दूर दूर से लोग आते हैं पटना से, और यहाँ आके मतलब टाइम पास करते हैं, जिसका रिलैक्स मतलब है, थोड़ा टाइम पास कर लिए, फैमिली के साथ घूमने आते हैं, पिकनिक भी मनाने यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है। हम लोग अभी निकल चुके हैं मरीन ड्राइव से, देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं,
एक यहाँ रोड है मस्त फर्स्ट क्लास। सही बोला, रोटी खाना जा रहा है यार। देख यार लाइट में गाना बजाएगा तब ना, यह थोड़ा सा थोड़ा सा आगे गांधी सेतु की तरफ बढ़ने का, ये मतलब रास्ता आगे गांधी सेतु है, तुम यहाँ से नजर आ रहा है और दिखा रहे आगे देखो फोटो शूट होगा, बहुत अच्छा लोकेशन है। हम मरीन ड्राइव से आगे आ गए और यहाँ पर फोटो शूट आ रही है। देखिए रोड से हम लोग निकल गए हैं यहाँ गांधी मैदान के पास में, बहुत अच्छा एकदम यहाँ पर बनाया गया ब्रिज एकदम गांधी मैदान कलेक्ट्रेट के पास में हम लोग निकले हैं, उसी के पास में शायद लग रहा है विस्कवान है बगल में यहाँ पर रास्ता है दिखा से 5 मिनट तो भाई जो भीड़ भाड़ में है देखिए एकदम मिनट कम से कम लगता है। कहाँ कहाँ मिला है, अच्छा यहाँ मिला है। ओहो गोल घर एकदम निकाल दिया यहाँ से, कटिंग ऐसे कर दिया ना, वहाँ से गोलम्बर घूम के गांधी मैदान आ गए हम लोग, उसके बाद यहाँ से विस्कमान भवन के पास है, गोलम्बर ऐसे घूमेगा। सीट बेल्ट लगा ले, ये देखिए यहाँ से भरे भरे से बताओ, इतना झमेले नहीं होगा बस उधर जाके जरूर नहीं कचरा में, जिसको दानापुर से आना है ना एकदम सराखते है, पहले था यार तू मैं घुसने पे कितना पटना आना है ना तो वही ठीक है। हाँ, जितना ब्रिज खगौल से देखिए पटना विस्कवान भवन के पास हम लोग आ गए हैं, विस्कवान भवन पटना का है यहाँ पर बगल में गांधी मैदान, ये देखिए गांधी मैदान बीच वाला जो है ना वही से साइड वाला लोगों के लिए सही है, यहाँ जो जिसको लोग आ रहा है बाहर बाहर निकल जाए बाहर ही रास्ता है निकलेगा से आ रहा है उधरों ब्रिज बनना है, गंगा नदी यहाँ पर टच करा दे बाहर। हे देखिए गांधी मैदान के पास विस्कवान भवन, देखिए कितना मस्त एकदम आदमी पूरा ऊपर लाइट उठ पड़ रहा है, ऊपर में रेस्टोरेंट है सबसे ऊपर में, घर आ गए हैं अभी जस्ट घर आए हैं, 11 बजे रात हो गया, लेकिन आम ले आए थे, आम है दुधिया मालदा है एकदम बड़ा बड़ा आम है, आम ले आए हैं, लेट हो गया तो थोड़ा सा पटना उससे मुझे घूम के आए थे रोड देखने के चक्कर में, तो अभी जस्ट घर पर आ गए हैं, खाना वाना खाएंगे और सोएंगे। ये देखिए क्या है घूम गया पम्मी, देखिए पम्मी के देखिए ये देखिए पम्मी का देखे कैसे कर देखे खुला हुआ आराम से घूमता रहता। खाना आप खाएंगे सुबह मिलते हैं खाना पे। देखिए हमारे घर में लिट्टी चोखा बना है आज फिर से, बिहारी फेमस लिट्टी चोखा मम्मी बनाए मेरी, और मेरा लिट्टी चोखा मम्मी खा रही, हम खाने जा रहे हैं ये चोखा है लिट्टी। तो गैस खाना वाना खा लिए हैं और रात को हो गया 12:15, खाना तो अभी खाया है, रात को हो गया 12:15, अब जा रहे सोने। आज का वीडियो इतना ही, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, गुड नाइट।